वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे पुर्तगाल T10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 2 के बारे में, जो आपका खेला जाएगा LCA और PNG टीम के बीच में। ये जो मैच है दोस्तों ध्यान रखिएगा शाम के 4:30 से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग आपके लिए दोनों टीमों के सभी प्लेयर का स्टैट्स, दोनों टीमों के दोस्तों सभी प्लेयर का स्टैट्स के साथ उनका बैटिंग पोजीशन, कौन ऐसे बॉलर है जो 2 ओवर का बॉलिंग करेंगे, कौन ऐसे बॉलर है जो 1 ओवर का बॉलिंग करेंगे, ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना, स्पेशली T10 के मैच में, जिससे आपको प्लेयर चूज करने में हेल्प होगा। तो यदि आप खुद से टीम बनाना चाहते हो तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के एक बेस्ट टीम आप बना सकते हैं। यदि आप मेरे टीम के साथ जाना चाहते हो तो मैं भी अपना फाइनल टीम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, आप उस टीम को सेव जरूर कर लीजिएगा। कोई प्लेयर बाई चांस इस टीम से ना खेले या कोई मिस हो जाता है तो कोई नहीं, मैं ना फिर से आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वहां से भी आप फाइनल टीम ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग LCA और दोस्तों PNG के मैच में क्या कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों M रवेल का, जो दोस्तों T10 में 10 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 18 रन स्कोर किए हैं। यार सिलेक्शन इनका इतना ज़्यादा क्यों है पता नहीं यार। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा F मुश्ताक का, इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 4 मैच खेले T10 में जहाँ पे बैटिंग से 32 रन स्कोर किए हैं। नीचे जो प्लेयर है एस खान, दोस्तों ये कभी T10 नहीं खेला है बट T20 में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। T20 में इसने 16 मैच जो खेला है वहाँ पे बैटिंग से 183 रन स्कोर किए। अब देखो दोस्तों M रेबल का बैटिंग हमेशा काफ़ी ज़्यादा नीचे रहता है, F मुश्ताक दोस्तों लास्ट ईयर जो 4 मैच खेले थे उसमें ये 3 नंबर 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, और एस खान जो डोमेस्टिक लेवल पे खेले ना इन्होंने सभी मैच में ओपन बैटिंग की है। तो यदि एस खान खेलता है तो हो सकता है मैं फर्स्ट प्रेफरेंस एस खान को दूँ, यदि ये ना खेला तो फिर आप चाहो तो सेफ जा सकते हो, M रेबल 70% सिलेक्शन है जा सकते हो, रीजन क्या है कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक ना। तो बैटिंग पोजीशन दोस्तों डिपेंड करता है, ऐसे मेरा फेवरेट चॉइस एस खान रहेगा, इनका देखता हूँ बैटिंग पोजीशन क्या रहता है क्योंकि फर्स्ट टाइम T10 खेलेंगे। आइएगा बैटिंग सेक्शन में, एस सिंह का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा 28 मैच खेले T10 में जहाँ पे बैटिंग से 438 रन आपको स्कोर किए हैं, अच्छे प्लेयर है और बैटिंग ऑर्डर भी हमेशा टॉप पे रहता है, आप ट्राई कर सकते हैं। नीचे दोस्तों आपको क्यू अनबर का ऑप्शन मिलेगा, 26 मैच खेल चुके हैं T10 में जहाँ पे बैटिंग से 271 रन स्कोर किए, और प्लस पॉइंट क्या है ना बॉलिंग करके देते हैं दोस्तों, 26 मैच में आप देखोगे 16 विकेट ले चुके हैं और 41 ओवर इन्होंने कंप्लीट बॉलिंग किया है, अच्छे ऑप्शन है आप लेके जा सकते हैं। नीचे दोस्तों आपको R इमरान का ऑप्शन मिलेगा, 49 मैच खेल चुके हैं T10 में जहाँ पे बैटिंग से 858 रन स्कोर किए हैं और 49 मैच में दोस्तों बॉलिंग से आपको 7 विकेट प्रोवाइड किए हैं। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको यूजहित का ऑप्शन मिल जाएगा, यूजहित का परफॉर्मेंस देखिए तो 10 मैच के लिए T10 में जहाँ पे बैटिंग से 57 रन स्कोर किए हैं और 10 मैच में दोस्तों आपको 1 विकेट प्रोवाइड किए 1 ओवर बॉलिंग करके। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ए अरशद का ऑप्शन मिल जाएगा, जिनका दोस्तों राइट नाउ मेरे पास स्टैट्स अवेलेबल नहीं है बट यदि खेलते हैं ना तो स्टैट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ना खेले तो ड्रॉप करके चलिएगा। नीचे दोस्तों आपको डी पटेल का ऑप्शन मिलेगा, 35 मैच खेल चुके हैं T10 में जहाँ पे बैटिंग से 274 रन स्कोर किए हैं। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ए अहमद का ऑप्शन मिलेगा, जो 19 मैच खेले T10 में जहाँ पे बैटिंग से 103 रन स्कोर किए हैं। नीचे दोस्तों आपको M फारूक का ऑप्शन मिल जाएगा, जो 15 मैच खेले T10 में जहाँ पे बैटिंग से 146 रन स्कोर किए और इस 15 मैच में 15 ओवर का बॉलिंग करके आपको 6 विकेट प्रोवाइड किए हैं। नीचे दोस्तों आपको R हुड्डा का ऑप्शन मिल जाएगा, जो 12 मैच के लिए T10 में जहाँ पे बैटिंग से 92 रन स्कोर किए और 12 मैच में 4 ओवर बॉलिंग करके आपको 3 विकेट प्रोवाइड किए हैं। नीचे दोस्तों आपको M18 का ऑप्शन मिल जाएगा, जो दोस्तों 3 मैच खेले T10 में जहाँ पे बैटिंग से सिर्फ 2 रन स्कोर किए हैं। नीचे दोस्तों आपको K शूटर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो दोस्तों T10 में 6 मैच खेल के आ रहे हैं जहाँ पे बैटिंग से 42 रन स्कोर किए हैं। ये सब प्लेयर का ना कुछ खास स्टैट्स दोस्तों है नहीं, ठीक ना, मैं बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्लेयर का रिकॉर्ड दोस्तों मेरे पास है तो मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे नीचे से मेरे पास N राणा का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो दोस्तों T10 में 10 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 130 रन स्कोर किए हैं।
नीचे आर सिंह एक मैच खेले थे टी10 में जहां पे बैटिंग से एक रन स्कोर किए हैं। तो ओवरऑल ना बैटिंग सेक्शन से एस सिंह क्यू अनवर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहां पे तीन बैट्समैन रखना कंपलसरी होता है, फिर आप वहां पे आर इमरान को ट्राई कर सकते हो, ओके ना। आइएगा ऑलराउंडर सेक्शन में, आपको एम तारिक का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है दोस्तों, 43 मैच खेल चुके हैं टी10 में जहां पे बैटिंग से 282 रन स्कोर किए हैं, और वहीं दोस्तों बॉलिंग से दोस्तों आपको 43 मैच में 45 विकेट प्रोवाइड किए हैं। बैट्समैन उतने अच्छे नहीं है लेकिन बॉलर बहुत कमाल के हैं। नीचे आइएगा, ए अली का ऑप्शन मिलेगा, एक कैप्टन बीसी के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। 9 मैच खेले टी10 में जहां पे बैटिंग से 172 रन स्कोर किए और 9 मैच में बॉलिंग से आपको 9 विकेट प्रोवाइड किए, 17 ओवर बॉलिंग किए। डेट मीन्स ये बंदा आपको कन्फर्म सभी मैच में, ध्यान रखिएगा, 2 ओवर का बॉलिंग जरूर करेगा, कैप्टन बीसी ट्राई कर सकते हैं। नीचे दोस्तों आपको डी पटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, 38 मैच के लिए टी10 में जहां पे बैटिंग से 311 रन स्कोर किए और इस 38 मैच में बॉलिंग से ना आपको 31 विकेट प्रोवाइड किए हुए हैं, बॉलर अच्छे हैं। नीचे दोस्तों आपको यू मोहम्मद का ऑप्शन मिल जाएगा जो 22 मैच के लिए टी10 में जहां पे बैटिंग से 330 रन स्कोर किए और इस 22 मैच में बॉलिंग से आपको 10 विकेट प्रोवाइड किए, 19 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग कर। फिर नीचे दोस्तों आपको आर सरवार का ऑप्शन मिल जाएगा जो दोस्तों 55 मैच खेल चुके हैं टी10 में जहां पे बैटिंग से 902 रन स्कोर किए हैं और वहीं दोस्तों 55 मैच में ना आपको बॉलिंग से 32 विकेट प्रोवाइड किए हैं, अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है, जरूर लेके चलना। नीचे दोस्तों आपको एदार का ऑप्शन मिलेगा जो 27 मैच खेले टी10 में जहां पे बैटिंग से 513 रन स्कोर किए और 27 मैच में बॉलिंग से दोस्तों आपको 14 विकेट प्रोवाइड किए और सिर्फ 20 ओवर बॉलिंग किए, बॉलिंग काफ़ी कम करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। प्लेयर अच्छा है, बैटिंग से आपको काम करके दे सकता है लेकिन बॉलिंग से मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं रहता है। नीचे आइएगा तो आपको डी सिद्दकी का ऑप्शन मिल जाएगा जो 25 मैच खेले टी10 में जहां पे बैटिंग से 524 रन स्कोर किए और इस 25 मैच में आपको बॉलिंग से ना 17 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं 39 ओवर का बॉलिंग करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। नीचे दोस्तों आपको एस यूनिस का ऑप्शन मिलेगा जिनका दोस्तों स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, ड्रॉप करके दोस्तों अभी चलिए, ठीक ना। यदि इनका नाम प्लेइंग 11 में आए तो मैं स्टैट्स आपको दे दूंगा। नीचे आपको एस कुमार का ऑप्शन मिलेगा जिनका स्टैट्स अवेलेबल है, 6 मैच खेले हैं दोस्तों जहाँ पे बॉलिंग से 5 ओवर का बॉलिंग करके आपको 5 विकेट प्रोवाइड किए हैं। नीचे आपको एम अब्बास का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों 21 मैच खेल चुके हैं टी10 में जहाँ पे बैटिंग से 118 रन स्कोर किए और बॉलिंग से 9 विकेट प्रोवाइड किए, बट बॉलिंग ना कम किए हैं। आप देखोगे 21 मैच में सिर्फ इन्होंने 14 ओवर का बॉलिंग किया है। लास्ट ऑप्शन ऑलराउंडर सेक्शन से एस पटेल का मिलेगा, एस पटेल भाई 4 मैच खेले टी10 में जहाँ पे बैटिंग से 47 रन और बॉलिंग से 2 विकेट लिए 8 ओवर का बॉलिंग करके। अब ये ना बंदा दोस्तों आपका बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है क्योंकि इसने ना 4 मैच खेला है और 8 ओवर का बॉलिंग किया, डेट मीन्स सभी मैच में ये 2 ओवर का बॉलिंग जरूर करके देता है, ध्यान रख के चलिएगा दोस्तों। आइएगा इधर बॉलिंग सेक्शन में, पी मिटुल का आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्ड देख ले तो 44 मैच खेल चुके हैं टी10 में जहां पे बैटिंग से 215 रन स्कोर किए और इस 44 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से ना 23 विकेट प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुके हैं और कंप्लीट 47 ओवर बॉलिंग किए। बॉलिंग दोस्तों ध्यान रखना, ये सभी मैच में 2 ओवर आपको नहीं करेंगे, ठीक ना, भले ही नाम बॉलिंग सेक्शन में, लेकिन बॉलिंग दोस्तों ये कम करते हैं। एक ओवर अच्छा जाएगा तो सेकेंड ओवर चांस मिलता है, नहीं तो एक ही ओवर करके रह जाते हैं। पी सिंह एक अच्छे प्लेयर है, ठीक ना, ये विकेट टेकर बॉलर दोस्तों, जरूर आप लेके चलना। 54 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं टी10 में जहां पे बैटिंग से 526 रन स्कोर किए और 41 विकेट दोस्तों ऑलरेडी बॉलिंग से ले चुके हैं। नीचे आपको एस पटेल का ऑप्शन मिलेगा जो 32 मैच के लिए टी10 में जहां पे दोस्तों बॉलिंग से आपको 18 विकेट प्रोवाइड किए हैं और इस 32 मैच में बॉलिंग से 24 ओवर का बॉलिंग किए, डेट मीन्स ये भी ऐसा प्लेयर है जो बॉलिंग कम करता है। नीचे दोस्तों आपको एस अली नागवी का ऑप्शन मिलेगा जो 36 मैच खेल चुके हैं टी10 में जहाँ पे इन्होंने 36 मैच में 25 विकेट भी लिए हैं और प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, 36 मैच में ना 61 ओवर का बॉलिंग किए हैं, डेट मीन्स एक ऐसा प्लेयर है जो 2 ओवर का आपको कन्फर्म बॉलिंग करता है, तो लेके चलिए। नीचे दोस्तों आपको पी पटेल का ऑप्शन मिलेगा, 17 मैच खेले हैं जो आपको 12 विकेट प्रोवाइड भी किए और 17 मैच में 28 ओवर का बॉलिंग भी किए, ये भी एक ऐसा बॉलर है जो दोस्तों आपको 2 ओवर का बॉलिंग करेगा और सिलेक्शन सिर्फ 2%।
नीचे दोस्तों आपको जी सिंह का ऑप्शन मिलेगा जो एक मैच खेले टी टेन में, जहाँ पे आपको एक ओवर का बॉलिंग करके एक विकेट प्रोवाइड किए हैं। नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा ए पटेल का जो 31 मैच खेले हैं बट दोस्तों विकेट सिर्फ 8 मिला है और बॉलिंग भी इन्होंने काफ़ी कम किया है, सिर्फ 25 ओवर का इन्होंने बॉलिंग किया है, ड्रॉप करके आप चल सकते हैं। नीचे आपको एस अली का ऑप्शन मिलेगा जो 2 मैच खेले थे टी टेन में, जहाँ पे 2 ओवर का बॉलिंग करके आपको 2 विकेट प्रोवाइड किए हैं। नीचे दोस्तों आपको जे गुजार का ऑप्शन मिलेगा जो 2 मैच खेले टी टेन में, जहाँ पे दोस्तों 0 विकेट लिए हैं और 1 ओवर का बॉलिंग किए हैं। नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा एफ रहीम का जो दोस्तों 5 मैच खेले हैं टी टेन में, जहाँ पे आपको 4 विकेट प्रोवाइड किए हैं 6 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके। लास्ट ऑप्शन दोस्तों आपको आर मल्होत्रा का मिल जाएगा जो 5 मैच खेले टी टेन में, जहाँ पे 3 विकेट प्रोवाइड किए 3 ओवर बॉलिंग करके। तो ओवरऑल जो बॉलिंग सेक्शन से बेस्ट ऑप्शन है पी सिंह, एस नागवी, और थर्ड ऑप्शन को ट्राई करना हो तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा इधर से, नीचे ही मैंने एक ऑप्शन दिया था दोस्तों पी पटेल का, इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो ऑलराउंडर सेक्शन से एक ऑप्शन है ए दार का, इनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक ना। ये दोनों में से किसी एक को आप अपने टीम में रोटेट कर सकते हो। मैं अभी के लिए थोड़ा सेफ जाते हुए ए दार को लिया हूँ क्योंकि ये बैटिंग आपको 3 नंबर पर करेगा और बॉलिंग 1 ओवर का। बात कर ली कैप्टन बी सी ऑप्शन किसको करे, तो कैप्टन के लिए दोस्तों मैं ए अली जा रहा हूँ, बी सी के लिए मैंने एम तारिक को किया है, बट कैप्टन बी सी ऑप्शन के लिए क्यू अनबर भी एक बहुत झकास ऑप्शन है, झकास नहीं बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। और लाउंडर सेक्शन से अदर किसी को ट्राई करना हो तो आर सरवार भी एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक ना। मेनली दोस्तों यही 4 इस मैच के कैप्टन बी सी के ऑप्शन है। अभी के लिए आप सभी दो सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम टीम के साथ जाइए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। यदि कोई प्लेयर इस टीम से नहीं खेलता है तो कोई नहीं, मैं फाइनल टीम आपको फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जिन भाइयों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जरूर कर लीजिएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय बाय।